नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीएफसी पर, जहाँ पे हम यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके 3 दिन के एग्जाम यानी कि 6 शिफ्ट आपके एग्जाम हो चुके हैं, और आप सबने अपने 6 के 6 शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चन भी देख लिए होंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। ठीक है, तो जैसा कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिन बच्चों का एग्जाम है 30 से 31 के बीच, ठीक है, 30 और 31 को जिनका एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। ठीक है, इसमें हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, या ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनके जिनके ऊपर विशेष तौर पर ज्यादा जोर देकर पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, जिनसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे जैसे आपका मुद्रा से क्वेश्चन है, जो हर शिफ्ट में जीएस के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ये जीएस के लिए हम लेके आए हैं, ये है जीएस से रिलेटेड। ठीक, ये है जीएस और जीएस। ठीक है, मुद्रा मुद्रा से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे मुद्रा से हो गया, और आपका एक था, अलग अलग टॉपिक हैं, जो राजधानी है। ठीक है, जितनी भी राजधानी है, राजधानियां, इनसे आपके बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फुल फॉर्म है, ठीक है, तो इनके रिलेटेड हम जो है आपकी इस बेसिस पे तैयारी हम करने वाले हैं। ठीक है, तैयारी क्या, थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप में होगा, पहले से आपने पढ़ रखे होंगे सब कुछ। ठीक है, इन्हीं तरह के हम जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं, जिनकी मुद्राएं महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में। मुद्रा यानी कि आपकी जो करेंसी है। ठीक है, सबसे पहले करेंसी है, तो पहला जो महत्वपूर्ण देश है वो है बांग्लादेश। इंडिया की आपको पता ही होगी, श्रीलंका की आपको पता ही चल गई है। ठीक है, जो कि आपके लास्ट 25 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, उसकी क्या थी, उसकी श्रीलंका की थी रुपी। तो ये जो बांग्लादेश है इसकी क्या है, टका। जो बांग्लादेश है इसकी जो मुद्रा है वो होगी टका। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होगी, टका। ठीक है, इसी तरह एक देश होगा आपका थाईलैंड, क्या होगा, थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड की जो मुद्रा होगी वो होगी आपकी वह। ठीक है, इन मुद्राओं को आप साथ साथ लिखना चाहे लिख लें, वरना केवल अपना रिवीजन करें, इनको बार बार रिपीट करें, हमें क्लास के साथ साथ में ही रिपीट करते चलें। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मुद्रा है वो है आपकी तुर्की की। तुर्की बेहद ही महत्वपूर्ण है, तुर्की। नेक्स्ट हमारी मुद्रा होगी तुर्की। ठीक है, तुर्की की मुद्रा होगी लीरा। ठीक, जो हमारी तुर्की की मुद्रा है वो क्या है, वो है लीरा। फिर है हमारा इज़राइल। इज़राइल, इज़राइल, ये जा है। इज़राइल की मुद्रा होगी हमारी शेकेल। ठीक है, इस तरह की आपसे हर शिफ्ट में, मुद्रा से तो हर शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो आपकी, उससे आपका क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट से बन रहा है। ठीक है, मुद्रा से जापान की मुद्रा आप लोग जानते ही होंगे। जापान की मुद्रा आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे, जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा है हमारी येन। ठीक है, कौन सी मुद्रा है, येन है हमारी जापान की मुद्रा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम फिलीपींस की। किसकी, फिलीपींस की मुद्रा। फिलीपींस की जो हमारी मुद्रा है वो है हमारी पैसो। ठीक, पैसो फिलीपींस की है, पैसो। ठीक है, चलिए भूटान की क्या होगी, भूटान की तो आपको पता ही होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं म्यांमार की हम। श्रीलंका की अब पूछना मुश्किल है, क्योंकि उसने एक शिफ्ट में पूछ लिया। अब वो इतने तो शरीफ है नहीं कि वो कई शिफ्टों में पूछेंगे, क्योंकि जिस तरह के वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो शराफत वाले हैं भी नहीं। ठीक है, वो तो एक तरह से बदला सा ले रहे हैं आपका पिछला एग्जाम कैंसिल होने का। चलिए नेक्स्ट है हमारा बोत्सवाना। बोत्सवाना की होगी पुला।
बोत्सवाना की होगी पुला ऐसी दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की होगी हमारी वान, दक्षिण कोरिया की वान होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी मलेशिया। नेक्स्ट जो देश है जिसकी राजधानी हमें डिस्कस करनी है वो है मलेशिया। मलेशिया की होगी रिंगित, कौन सी? मलेशिया, मलेशिया की होगी रिंगित। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जितनी भी हम आज क्लास में ये मुद्रा जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए। ठीक है, 30 और 31 में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नॉर्वे की क्रॉन होगी, नॉर्वे है आपका एक देश, नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वे की होगी क्रॉन। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी क्या होगी? राजधानी नहीं, ये हमारी है मुद्रा, क्रॉन। ठीक है, फिर आती है आपकी पोलैंड की, पोलैंड की होगी जलाटी। ठीक है, जलाटी हमारी पोलैंड की मुद्रा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी मुद्रा आ जाती है आपकी रूस की। रूस की क्या होगी? रूबल हमारी है नेक्स्ट। रूस की, रूस की होगी आपकी रूबल। ठीक है, रूस की हमारी मुद्रा होगी रूबल। चीन की मुद्रा आपको पता होगी। ठीक है, फिर दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की भी आपको रेंड जानकारी होगी। यूक्रेन, यूक्रेन, यूक्रेन की जो है वो है, यूक्रेन की है आपकी, यूक्रेन की जो आपकी मुद्रा होगी वो होगी रिवियन। ठीक है, ये आपकी यूक्रेन की मुद्रा होगी। ठीक है, इसी तरह की ये मुद्रा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट हमारी जो मुद्रा है वो है वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेने वेनेजुएला, वेनेजुएला की मुद्रा कौन सी है आपकी? बोलियर, बोलियर जो है ये आपकी वेनेजुएला की मुद्रा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम की है डांग। ठीक, डांग जो है हमारी वियतनाम की मुद्रा है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं जिनके बारे में आपको बार बार अपना रिवीजन करते रहना है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी बांग्लादेश की, जो थी हमारी टका। बांग्लादेश की क्या है? हमारी टका है। ठीक है, थाईलैंड की रहत है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है तुर्की की लीरा है, इजराइल की जो है शेकेल है, उसके बाद हमारी आ जाती है जापान, जापान की हमारी क्या है? येन है। ठीक है, फिर हमारी आ जाती है फिलीपींस, फिलीपींस की हमारी जो मुद्रा है वो है पैसो, फिलीपींस की क्या है? पैसो है। ठीक है, म्यांमार की हमने पढ़ ली। ठीक है, फिर हमारी है दक्षिण कोरिया की वॉन है, मलेशिया की रिंगित है, नॉर्वे की क्रॉन है, पोलैंड जो है उसकी राजधानी है जलाटी, फिर रूस है रूबल है, यूक्रेन की रूगेन की ये है हमारी, वेनेजुएला की लिखी हुई है यहाँ पे। सारी जितनी भी ये मुद्राएं हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण जो है वो मुद्राएं आपके सामने लिखी हुई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं, और भी अगर मुद्रा होंगी जब तक ही हम ये क्लास आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता। ठीक है, तो जितनी ये मुद्राएं हैं इनको ध्यान में रखना है। फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट हमारा जो फुल फॉर्म वाला है, आपसे फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा पूछी गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फुल फॉर्म्स की, यानी कि विस्तृत रूपों के बारे में। ठीक है, उनके बारे में भी आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि एक फुल फॉर्म आपकी बनती है NEFT, NEFT की फुल फॉर्म क्या होगी इसके बारे में आपको बताना है। NEFT की फुल फॉर्म होगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इसके बारे में आप लिख लेंगे। NEFT की क्या होगी? नेशनल, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ठीक है, ये हमारी होगी NEFT की। ठीक है, NEFT के साथ में ही एक आपकी चलती है UPI। आप रोज की जिंदगी में अपना UPI का उपयोग करते ही होंगे, UPI। ठीक है,
यूपीआई होगी आपकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपकी यूपीआई की होगी। ठीक है, अगर यूपीआई की बात हम कर ही रही हैं तो इससे रिलेटेड एक आती है हमारी IMPS, IMPS, IMPS की फुल फॉर्म होगी इमीडिएट इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सर्विस ठीक है, IMPS की होगी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इसके बाद आती है एक RTGS, RTGS। ये सारी जो फुल फॉर्म है ये आपसे बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है आपकी, बैंक से। तो इसकी क्या होगी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आपकी फुल फॉर्म होगी RTGS की। ठीक है, तो ये सारी पेमेंट फुल फॉर्म्स थी आपकी बैंक से रिलेटेड। NEFT मनी ट्रांसफर के लिए यूज होता है, आप जानते हैं। UPI किस लिए इस्तेमाल होता है, मनी ट्रांसफर के लिए। IMPS जो आप मोबाइल से पेमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका RTGS, जो कि आप बैंक के थ्रू ही रियल टाइम में जो पेमेंट आप भेजते हैं किसी को। ठीक है, इसकी जो लिमिट होती है वो 2 लाख से मैक्सिमम कितना भी आप भेज सकते हैं, मिनिमम लिमिट है 2 लाख, मिनिमम आपको 2 लाख भेजना ही पड़ेगा। और ये लागू कब हुआ था, 2004 में ये लागू हो गया था RTGS। ठीक है, तो ये थी कुछ हमारी महत्वपूर्ण बैंक से रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स थी। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, चलते हैं और अपनी आगे फुल फॉर्म्स की तरफ। जैसे कि एक फुल फॉर्म हमारी रहेगी रिलेटेड GNP। आपने GNP और GDP के बारे में सुना होगा। एक हमारा होगा GNP, GNP की होगी, और एक होगी GDP। ठीक है, GDP, इन दोनों की आपको कमेंट में बतानी है क्या क्या होगी। ठीक है, GNP की होगी हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये हमारी होगी GNP की। ठीक है, एक होगी हमारी GNP के साथ ही एक होती है NNP, NNP होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNP की फुल फॉर्म क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए एक है हमारी अब GDP। GDP होती है गुड्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होगी, गुड्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये है हमारी दो GNP और GDP की फुल फॉर्म्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो फुल फॉर्म नेक्स्ट रहने वाली है वो है हमारी मनरेगा, मनरेगा MNREGA। मनरेगा के फुल फॉर्म क्या होगी इसके बारे में आपको बताना है। ये क्या होगी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये हमारी होगी मनरेगा की फुल फॉर्म। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म होगी MRI। MRI आप जानते ही होंगे, हॉस्पिटल वगैरह में कभी अगर आप गए हो अपना कुछ ट्रीटमेंट कराने तो एक MRI मशीन होती है जिसके द्वारा आपके बॉडी का चेकअप किया जाता है। तो MRI की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आपकी है MRI की फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी ECG। ECG, ECG किससे रिलेटेड होती है आपकी, हार्ट से रिलेटेड होती है। ये होती है इलेक्ट्रो कार्डियो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ये आपकी फुल फॉर्म है किसकी, आपकी ECG की। ठीक है, इसके साथ ही ECG के साथ आती है EEG। ये कुछ बेसिक बहुत ही सिंपल जो कि शायद आपको पता भी हो। ठीक है,
ई जी की होती है इलेक्ट्रो इंसेलोग्राफ। ठीक है, ये है हमारी एमआरआई, ईसीजी और ईईजी की जो है फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट है हमारी डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में आपने सुना भी होगा और कई जगह पढ़ा भी होगा, डीआरडीओ। डीआरडीओ के क्या आप बता सकते हैं, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होगी? डीआरडीओ की होगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारी होगी डीआरडीओ की। डीआरडीओ के बाद है हमारी एक फुल फॉर्म है इसरो। इसरो है हमारी, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसरो। ठीक है, एक होगी आपकी इसरो, इसरो इसरो ISRO, इसरो इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन स्पेस एंड इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होगी आपकी इसरो की। ठीक है, ये हो गई हमारी इसरो की। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट एग्जाम में जैसा आपसे पूछी गई थी सार्क, SAARC, SAARC सार्क की आपसे पूछी गई थी, जिसकी थी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, ये थी आपकी सार्क की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, एक है आपकी ADB, ADB, ADB की फुल फॉर्म होगी एशियन डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म होगी ADB की। ठीक है, इसके बाद एक आ जाती है आपकी AEPS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसको बताएंगे, ये होगी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, AADHAR, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये होगी हमारी AEPS की। ठीक है, एक ही इससे मिलती जुलती है APBS, आधार पेमेंट्स ब्राइट सिस्टम, ब्रिज सिस्टम जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक होगी आपकी एक होगी आपकी भीम, BHIM। कौन सी होगी? BHIM, BHIM। इसके बारे में भी आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, ये होगी आपकी भीम ऐप की, जो भीम एक एप्लीकेशन भी है जो आप पेमेंट करते हो उसके, उसमें एक हर पेमेंट में एक ऑप्शन आता होगा BHIM। ठीक है, जिससे आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, एक पेमेंट से रिलेटेड है सिबिल, CIBIL। आपने कई बार सुना होगा कि इसका सिबिल खराब है इसलिए इसको लोन नहीं मिला, सिबिल डाउन है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, वो है सिबिल की आपकी जो फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वो होगी आपकी, एक है आपकी CTBT, CT होगी CTBT, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है।
सीटी बीटी की क्या होगी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन थियरिटी, ठीक है, क्या होगी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रेटी, ठीक है, ये होगी आपकी सीबी सीटी बीटी की, ठीक है। इसके बाद है एक आपकी FAQ, FAO, सॉरी क्यों नहीं, FAO, FAO की फुल फॉर्म बताएंगे क्या होगी। FAO आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा कि FAO, FAO की फुल फॉर्म होगी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये होगी आपकी FAQ, ठीक है। एक इससे ही मिलती जुलती है आपकी FCCI, इसकी होगी FCCI, सॉरी FICCI, ठीक है, FICCI, ठीक है, ये होगी, इसकी होगी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये होगी आपकी FICCI, ठीक है, चलिए, ठीक है। एक होगी हमारी इसके बाद हमारी होगी एक FCI, ठीक है, वो है FICCI, ये होगी केवल FCI, FCI की होगी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये होगी आपकी FCI की, ठीक है। एक होगी आपकी इसी से रिलेटेड FDI, FDI, ठीक है, FDI की फुल फॉर्म होगी आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, FDI, FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण जो है फुल फॉर्म्स है जिनको आपको अपने एग्जाम से पहले पढ़ के जरूर जाना है, एक बार जरूर देखना है अपनी बुक को उठा के, ठीक है। इन वीडियो से आप रिवीजन कर लें एक बार अपने जितने भी फुल फॉर्म का है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली, ठीक है, चलिए, ठीक है। एक है आपकी फूड से रिलेटेड है FSSAI, ये किसकी फुल फॉर्म है इसके बारे में आपको बताना है। ये है आपकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपकी FSSAI, ठीक है, इस इंडिया, ठीक है, ये आपकी FSSAI की जो है फुल फॉर्म है, ठीक है। एक आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा IFSC कोड, IFSC, ठीक है, IFSC, ठीक है, बैंक की बुक, आप बैंक में जाते होंगे या कभी आप मनी ट्रांसफर करते होंगे बैंक टू बैंक, तब आपने IFSC कोड के बारे में सुना होगा। तो IFSC की फुल फॉर्म क्या है वो बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल, आई इंडियन फाइनेंशियल
सिस्टम कोड, ठीक है, ये है हमारी IFSC की फुल फॉर्म, ठीक है, चलिए, ठीक है। एक होगी आपकी ICAR, आई कार जिसको बोलते हैं, ICAR, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर कल्चरल रिसर्च, ठीक है, ये होगी आपकी आईकार, ये आपकी महत्वपूर्ण है। एक जो FSSAI है ये भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको इम्पोर्टेंट टिक कर लें, ठीक है, ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक IFSC है, IFSC जो है वो भी आपकी महत्वपूर्ण के अंदर आएगी, ठीक है, महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है ये, आपकी पूछे जाने की पूरी पूरी आशंका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा, एक होती है आपकी IRCTC, ये रेलवे से, इंडियन रेलवे से संबंधित फुल फॉर्म है, इसके बारे में शायद आपने कभी पढ़ा होगा कि IRCTC, IRCTC, ये है एक इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आपने ये नाम तो कई बार पढ़ा होगा IRCTC, ठीक है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है इसको भी आपको ध्यान में रख के जाना है एग्जाम सेंटर के अंदर। इसकी है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आपकी IRCTC की फुल फॉर्म। तो ये थी कुछ आपकी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स जिनके बारे में आपको अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही जरूरी, यानी कि ये तो डेफिनेट है कि इन इनको तो पढ़ के ही जाना है, इनके अलावा भी पढ़नी है, लेकिन इनको तो डेफिनेट तौर पे आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। हमने मुद्रा के बारे में जान लिया, ठीक है, हमने ये डेफिनेशन जो फुल फॉर्म्स थी इनके बारे में पढ़ लिया, इसके अलावा आपसे अनुच्छेद जो हैं उनके बारे में भी कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एक एक सेट में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस जो हैं आपके अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अनुच्छेद का क्या है, ठीक है, अनुच्छेद में इसको लास्ट रखेंगे, फिर इसके बाद हम कल एक और वीडियो लाएंगे जिसमें और ऐसे ही महत्वपूर्ण चीजें होंगी जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई एक आधी फुल फॉर्म रह गई होगी जो महत्वपूर्ण है पेपर के दृष्टिकोण से, तो उनको कल की वीडियो में हम एड ऑन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा जो हमारे अनुच्छेद है उनके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ें, ठीक है, चलिए, ठीक है। जैसा कि आपसे प्रश्न पूछे भी गए थे पिछले कुछ एग्जाम्स के दौरान, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन भाग से रिलेटेड, ठीक है, जो भाग थे अनुच्छेद आपके कॉन्स्टिट्यूशन के उससे, जैसे DPSP से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि DPSP कौन से भाग में है, तो DPSP आपका कौन से भाग में है, भाग चार में, ठीक है, भाग चार में कौन सा है, DPSP, ठीक है। इसके लिए ट्रिक भी है, सारे जितने भाग हैं उसको याद करने के लिए उसका हमने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है अपने चैनल पे ही, वो है यू कैन डायरेक्टली फ्लाई फ्रॉम, यू कैन सॉरी, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, चलिए वो लिखते नहीं है ज्यादा लंबी हो जाएगी, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू उत्तर प्रदेश टू मीट कजिन शिवम एंड रितु, ठीक है। इस शॉर्ट्स का मैं लिंक ऊपर डाल देता हूँ, इसमें इसको आप देख लेना, इससे आप जितने भी आपके 1 से 11 तक के जो भाग हैं उनको आप बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है।
तो जो हमारा डीपीएसपी था, जो हमारा क्वेश्चन आया था डीपीएसपी से रिलेटेड, डीपीएसपी, ठीक है, तो वो किससे आया था कि वो भाग चार से रिलेटेड करता है, ठीक है। अब ये तो आपसे पूछेगा नहीं, अब हो सकता है आपसे पूछ ले कि वो कौन से देश से लिया गया है। तो कौन से देश से लिया गया है, वो आयरलैंड से, आयरलैंड से आपका डीपीएसपी लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है आपके यूएसए के, ठीक है, यूएसए से। इसके साथ साथ में जुडिशियल रिव्यू भी है, वो भी यूएसए से ही लिया गया है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इमरजेंसी पावर कहाँ से ली गई है, इमरजेंसी पावर कहाँ की है, वो जर्मनी की है, ठीक है। और संवृत सूची, संवृत सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। ऐसे ही आपके जो एक क्वेश्चन है इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ठीक है। और आपका बंधुत्व समानता है, एक बंधुत्व समानता जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो बंधुत्व समानता कहाँ का है, फ्रांस का है, ठीक है। संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन, ये कहाँ का है, संविधान संशोधन कहाँ से लिया है हमने, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद है एकल नागरिकता, नागरिकता के ऊपर आपसे पूछ सकता है कि एकल नागरिकता कहाँ की है या कहाँ से ली है एकल नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये कहाँ से ली है हमने, ये ली है ब्रिटेन से, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा महत्वपूर्ण तो यही है, जैसे एक है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा राष्ट्रपति का जो वो है वो किस में है, वो 52 आर्टिकल में राष्ट्रपति है, क्षमादान किस में है, 72 में आपका क्षमादान है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, आपके जो एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपसे राजधानी पूछ रहा है, राजगृह पूछ रहा है, ठीक है, कि जो पुराने समय के पल्लव की पूछी थी कि कराची जो है उसकी राजधानी थी, ठीक है, कराचीपुरम थी, ठीक। तो इसी तरह से आपके जो छोटे छोटे साम्राज्य हैं इनकी आपको राजधानी याद करके रखनी है, ठीक है। जैसे हर्ष की का थी, जो हर्षवर्धन है उसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, हर्ष ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, कन्नौज को बनाया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को यहीं पे एंड कर देंगे, कहाँ कहाँ की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, जैसे आपकी एक है हरियक वंश है, जो ये वंश थे आपके, इनसे आपकी राजधानी पूछी जा रही थी कि हरियक वंश की राजधानी क्या है, हरियक वंश, ठीक है, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, हरियक वंश के समय राजधानी क्या थी, तो राजगृह थी, ठीक है, राजगृह थी, ठीक है। इसका संस्थापक कौन है हरियक वंश का, इसका संस्थापक है बिंबसार, ठीक, बिंबसार इसका संस्थापक है, इस बात को आपको याद रखना। अब वंश जो है थोड़े, चलिए क्रम में ही लिख लेते हैं हम अपने सारे वंशों को। इसके बाद हरियक वंश के बाद था एक शुंग, लगभग सभी वंश की राजधानी को एक बार हम देख लेते हैं। शुंग वंश की जो राजधानी थी वो थी विदिशा, 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 ठीक है। और इसका संस्थापक कौन था, इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग, ठीक। ये हरियक वंश हो गया और आपका शुंग वंश हो गया, दोनों की राजधानी
और संस्थापक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वंश जो आ जाता है वो है पल्लव वंश। पल्लव पल्लव वंश की राजधानी क्या है? कांची या कांचीपुरम कुछ भी बोल सकते हैं। इसके संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। ठीक है, इसके ये संस्थापक है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपका चोल। चोल चोल साम्राज्य की जो थी वो थी राजधानी तंजोर। ठीक, और इसके संस्थापक किसको माना जाता है? विजयपाल को। विजयपाल को इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है वो है हमारा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की जो राजधानी है वो है मानखेव। मानखेव इसकी राजधानी है, और इसके अगर बात की जाए संस्थापक संस्थापक की वो है दंती दुर्ग। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक है गढ़वाल। गढ़वाल इसकी जो राजधानी है वो क्या है? वाराणसी। वाराणसी ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। चंद्रदेव इसके संस्थापक। ठीक है, चलिए ये थे हमारे कुछ वंश जिनके बारे में हमने चर्चा की, और इनकी जो राजधानी है उनको आपको जरूर से ध्यान में रखना है, क्योंकि हर शिफ्ट में जो राजधानी है उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कुछ जो विदेश है उनकी राजधानी है उनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। चलिए उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी राजधानी। चलिए ठीक है, तो हमारी कुछ देश की राजधानी है जैसे पड़ोसी देश है या फिर हमारे पृथ्वी पर जो देश मौजूद हैं उनकी कुछ राजधानी है। एक देश है फिजी, ठीक, उसकी राजधानी क्या है? सुवा। ठीक, चलिए एक है बहामास, उसकी है नासाउ। एक है आपका बेलारूस, इसकी होगी मस्क, मिस्क मिस्क। ठीक है, नेक्स्ट एक है हमारा बोत्सवाना। इसकी राजधानी होगी गैब्रोन। गैब्रोन इसकी राजधानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक देश और है चिली। चिली के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, आपको कमेंट में एक बात बतानी है कि चीन की राजधानी क्या होगी आपकी। ठीक है, चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। सेंटियागो ठीक है, ये हमारी चिली की राजधानी होगी। ठीक है, फिर एक आ जाता है आपका जॉर्जिया। तो इसकी होगी ब्लीस। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेबनान। लेबनान इसकी होगी बैरूव। ठीक है, लेबनान की क्या होगी? बैरूव होगी। ठीक है, लीबिया। लीबिया एक देश होगा हमारा लीबिया। लीबिया तो इसकी राजधानी होगी की पोली। ठीक है, किसकी होगी? लीबिया की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा माली। माली है माली माली माली। ठीक है, माली की होगी हमारी बमाको। माली की क्या होगी? बमाको। एक होगा हमारा मोरक्को। मोरक्को ठीक है, मोरक्को की होगी रबात।
ठीक है, चलिए इसके बाद है आपकी ओमान, ओमान की होगी मस्कट। ओमान की क्या है? मस्कट है, ठीक है, मस्कट है। चलिए ये है हमारी कुछ महत्वपूर्ण जो राजधानियां हैं देश की, ठीक है। चलिए इसके बाद इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, और जो बाकी महत्वपूर्ण चीजें होंगी उनको हम आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो राजधानियां होंगी, जो देश होंगे महत्वपूर्ण, ठीक है, जो करंट में रहेंगे, उनकी एक सूची हम तैयार कर लेंगे, उनके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी, जैसे राइटर्स हैं और बुक्स हैं, कि कौन सी बुक किसने लिखी है, ठीक है, तो इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और अपनी प्रैक्टिस को इसी तरह से जारी रखेंगे। और 30 और 31 वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अच्छे से अपने एग्जाम को दे पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।